विकसित भारत का बजट अमृत काल के लिए रणनीति प्रदान करता अंतरिम बजट 2024-25। कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण को प्रोत्साहन सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है, जो अन्नदाताओं का सशक्तिकरण कर कृषि उत्पादन को बढ़ावा दे रहा है। सरकार फसल कटाई के बाद की गतिविधियों में निजी और सार्वजनिक निवेश को बढ़ावा देगी। सभी कृषि जलवायु क्षेत्रों में नैनो डीएपी के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके साथ ही आत्मनिर्भर तिलहन अभियान के लिए कार्यनीति तैयार करने का प्रस्ताव भी है। डेयरी विकास के लिए व्यापक कार्यक्रम तैयार करने का प्रस्ताव है। जलीय कृषि उत्पादकता एवं निर्यात बढ़ाने और रोजगार में वृद्धि के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का कार्यान्वयन करने का प्रस्ताव है। अंतरिम बजट 2024-25 में नीली क्रांति के लिए आवंटन में वृद्धि की गई है। वित्त वर्ष 2023-24 में 2025 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे, तो वहीं वित्त वर्ष 2024-25 में 2352 करोड़ रुपए कर दिया गया है। अंतरिम बजट 2024-25 में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम विकास योजना के लिए आवंटन में बढ़ोतरी की गई है। वित्त वर्ष 2023-24 में 639 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे, तो वहीं वित्त वर्ष 2024-25 में इसे बढ़ाकर 880 करोड़ रुपए कर दिया गया है।